हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल, आपको मैंने अपने पहले अंकों में आपको भारत की मिट्टियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और उसमें भारतीय अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा था, जिसमें से जालोर मृदा के बारे में हम बात कर चुके। उसका कुल भारत के क्षेत्रफल का 22% भाग जालोर मिट्टी में का पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने काली मिट्टी के बारे में बात की थी, काली मिट्टी का भी 28% भाग पाया जाता है, और लाल व पीली मिट्टी के बारे में बात की थी, लाल व पीली मिट्टी का भी 28% है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लैटराइट मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी का हो गया 3%। कुल मिट्टियों में, भारत की कुल मिट्टियों में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्रफल हो गया 3%। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि कितना क्षेत्रफल है, हमने प्रतिशत बताया आपको 3% है, और अगर यदि हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो लैटराइट मिट्टी का हो गया 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर। मैं फिर से बोल देती हूँ, क्षेत्रफल हो गया 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसके परसेंटेज अगर हम देखें तो 3% हो गया, जिसमें ये लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, इसका लाल रंग जो है वो मानसूनी जलवायु की विशेषता के कारण है। इसका लैटराइट मिट्टी का भी रंग कैसा है, लाल रंग है। ये जो लाल रंग है ये मानसून की जलवायु की विशेषता का परिणाम है। फिर 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन पाया जाता है, 200 मिलीमीटर की सेंटीमीटर की वर्षा से अधिक क्षेत्र कौन से हो गए, आपके तटवर्ती इलाके हो गए, प्रायद्वीप वाले इलाके हो गए, ये सब हम पहले भौतिक प्रदेशों में हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा वो होगी, तटवर्ती इलाके। मैं फिर से बात करती हूँ, ये जो तटवर्ती इलाके हैं, और ये यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, ये लक्षद्वीप हो गए, ये कौन से में हो गया, ये बंगाल की खाड़ी में हो गया। तो ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट के बारे में हम लोग बात कर चुके। यहीं पे ये लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसका क्षेत्रफल है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर। इसी एरिया में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये 3% भारत की मिट्टियों का, ये केवल 3% ही भाग है, ठीक है। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जो लाल रंग है उसकी मानसूनी की जलवायु की विशेषता के कारण है। इसके कारण क्या होता है, नीचे जब मिट्टी पानी नीचे जाता है, लीचिंग होती है, नीचे रिस रिस के पानी जाता है, तो ऊपर सिलिका और चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं। क्या होता है, सिलिका और चूना इसमें मिला होता है, इसमें क्या क्या चीज, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिका और चूना, ये चार चीजों से ये लैटराइट मिट्टी बनी होती है। और तो सिलिका और चूना रिस रिस के पानी से, जैसे ये पानी हो गया आपका, ठीक है, ये ऊपरी सतह हो गई, ठीक है, नीचे रिस रिस के पानी जाता है, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या जो चला जाता है, सिलिका और चूना जो है के अंश नीचे चले जाते, और जो ऊपर रह जाता है वो हो गया एल्युमिनियम और लोहा, ठीक है। इस लोहे की वजह से ही क्या है, इस मिट्टी का रंग लाल है, ठीक है। जब ये मिट्टी सूख जाती है, ठीक है, धूप पड़ती है, जब ये मिट्टी सूख जाती है तो ये कठोर हो जाती है। कठोर होती है तो कैसी कठोर होती है, लाल रंग की भी तो वैसे ही है, ये ईंट जैसी दिखती है, ठीक है, ईंट की तरह कठोर हो जाती है। और जब ये गीली होती है, ये लैटराइट मिट्टी जो 3% भाग में है, 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, ये तटवर्ती इलाके और प्रायद्वीपों में फैली हुई है, तो ये दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, ठीक है। बात मैं फिर से बता देती हूँ,
ये लीचिंग का मेथड है, ऊपर हो गया सिलिका और चार चीज से ये लैटराइट मिट्टी बनी है, सिलिका, चूने, चूने के अंश होते हैं एल्युमिनियम और लोहा, ठीक है, ये चार चीजों से बनी है। लीचिंग के माध्यम से ये पानी रिस रिस के नीचे चला जाता है, तो सिलिका और चूने के अंश नीचे चले गए, ऊपर बचा वो है एल्युमिनियम और लोहा। इस लोहे और एल्युमिनियम की वजह से जब मानसूनी मानसून की वर्षा पड़ती है, जो भी 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वह इस वजह से वो क्या होता है, उसका रंग लाल हो जाता है, लोहा ऊपर रह जाता है और सिलिका और चूने के अंश नीचे चले जाते हैं, एल्युमिनियम भी ऊपर रह जाता है, तो ये कठोर हो जाती है। जब ये सूखने पे कठोर हो जाती है मिट्टी, कठोर होने से क्या होगा, ये ईंट की तरह दिखती है, और जब क्या कहते हैं गीली होती है तो दही की तरह ये लिपलिपी हो जाती है, ठीक है। इसका विस्तार के में जनजातियां इसको झूम कहती कि इसी पहले जब जनजातियां थी तब इसको झूम कृषि कैसे कहते हैं, झूम कृषि मतलब एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना, मतलब मान लीजिए इस जगह पे यहाँ पे कृषि पहले जनजातियां करती थी, जब इस पे खेती कर ली फिर ये आप उपजाऊ नहीं रहे तो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे ये जनजाति लोग जाकर कृषि करते थे, इसको कहते हैं झूम कृषि, या इंग्लिश में कहते हैं स्लैश एंड बर्न मेथड से जो कृषि की जाती है, ये पुरानी आदि मानव करते थे या ये जनजातियां करती हैं, एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह पे जाने को की कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। ये यहाँ पे जनजातियां जो हैं, जनजातियां आपको क्या है, यहीं पे तो मिलती है प्रायद्वीपों में, क्योंकि यहाँ पे कोई रहने वाले लोग है नहीं, प्रायद्वीपी इलाकों में सबसे ज्यादा जनजाति के लोग रहते हैं, इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह में क्या है, सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियां ये क्या करती हैं, ये क्या कहते हैं झूम कृषि के माध्यम से इसी मिट्टी पे कार्य करती है, ठीक है। इसका विस्तार हिमालय क्षेत्र में है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे भी बहुत ठंड होती है, तो लोग क्या करते एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाके कृषि करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे हिमालय क्षेत्र में मिलती है इस मिट्टी का विस्तार है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपी भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, लैटराइट मिट्टी पूरे भारत की अगर मिट्टियों का प्रतिशत देखें तो मात्र 3% ही लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल हो गया 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जनजाति लोग इसे झूम कृषि एक रूप में करते हैं, ये उस जगह पे होती है जहां 200 सेंटीमीटर की वर्षा से अधिक की वर्षा मिलती है। ये कहाँ होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा आपके तटवर्ती इलाके, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया और प्रायद्वीपी क्षेत्रों में, ठीक है, ये अंडमान निकोबार, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस मानसूनी जलवायु के कारण ये लाल रंग की दिखती है, क्यों लाल रंग की दिखती है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये चार चीजों से बनी है, क्या कौन कौन सी हो गई, सिलिका, लोहा, सिलिका चूने के अंश हो गए, एल्युमिनियम और लोहा, ठीक है। सिलिका और चूने के अंश तो लीचिंग के माध्यम से नीचे चले जाते हैं और एल्युमिनियम और लोहा का ऊपर रह जाता है। इस लोहे की वजह से क्या होता है, ये आपको लाल रंग की दिखती है और जब इसमें धूप की किरणें पड़ती हैं और ये कठोर हो जाती है मिट्टी, तो ये बहुत कठोर हो जाती है और ये लाल रंग की तो वैसी है, तो ये ईंट जैसी हो जाती है, और जब ये गीली होती है तो दही की तरह, जैसे दही चिकना होता है, लिपलिपा होता है, वैसे गीली होने पे ये लिपलिपी हो जाती है, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं कौन कौन सी फसलें यहाँ पे होंगी, चाय के बगानों पे ये मिल जाती है आपको, मैंने बताया पहाड़ी इलाकों में कहाँ क्या हो रहा है, ये तटवर्ती इलाकों में आपको यही सब है, कहवा, मसाले,
एवं फलों की कृषि यहाँ की जाती है। ठीक है, यहाँ पे सब मसाले हो गए, चाय के बगान हो गए, ठीक, पहाड़ी इलाका हिमालय क्षेत्र में भी यही है, कावा मसाले और फलों की कृषि होती है। आप उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी तक कितनी मिट्टियां कर चुके हैं, जालौर मिट्टी के बारे में बात कर चुके, काली मिट्टी के बारे में बात कर, लाल पीली मिट्टी के बारे में बात कर चुके और लेटराइट मिट्टी के बारे में बात कर चुके। हम लोग चौथी मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे दूसरी मिट्टी के मरुस्थली मिट्टी, पांचवी मिट्टी हो गई हमारी मरुस्थली मिट्टी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें।